अब डर से कांपते हुए वेना उसकी आंखों पर टेप लगा देती है, लेकिन जैसे ही वो अपने फादर को फोन मिलाने के लिए मुड़ती है, वो पीछे से वेना पर टूट पड़ता है। वो आदमी अपने हाथों से वेना की आंखों को दबा रहा है। वेना की चीख सुनकर जिम को भी मजबूरन अपनी नजरें पार्क में खड़े आदमी से हटानी पड़ती है। जिम उसे गर्दन से पकड़कर पीछे की ओर खींचता है, लेकिन वो जिम के शिकंजे से छूटकर फिर से उन दोनों के ठीक सामने खड़ा हो जाता है। अब जिम और वेना उसके सामने घबराए हुए खड़े हैं, लेकिन तभी पीछे से उनके फादर आ जाते हैं। वो एक मिरर उठाकर उस आदमी के चेहरे के आगे लगा देते हैं। अब वो आदमी मिरर के सामने डरते हुए अपना सर हिलाता है, जैसे वो मिरर से बहुत बेचैनी महसूस कर रहा हो, और तभी अचानक से वो उस मिरर में समा जाता है। इसके बाद वो मिरर को तोड़ देते हैं। ये सब देखकर जिम और वेना भौचक्के रह जाते हैं। अब वेना अपने फादर से इसका रहस्य जानना चाहती है। वो उन्हें बताते हैं कि मेरी जिंदगी में ये सब उस दिन से शुरू हो गया था जब मैं पहली बार तुम्हारी माँ से मिला था। तभी से ये हमारा पीछा कर रहा है। मैंने इसे इग्नोर करने की कोशिश की, लेकिन अब ये तुम दोनों को भी दिखाई दे रहा है। तभी घर की डोरबेल बजती है और अचानक सब चुप हो जाते हैं। क्या ये वही है जिसे आखिरी बार जिम ने पार्क में देखा था? Part 1 Pain Comics.